गणपतये नमः। श्री गुरुदेव दत्त, जय लक्ष्मी माता। नमस्कार मित्रों, प्रॉफिट 666 चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप? आशा करती हूं कि आप जरूर कुशल मंगल होंगे। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको प्रचंड या विशाल धन संपत्ति पैसा पाने के महालक्ष्मी मंत्र के बारे में बताने जा रही हूँ। इस मंत्र की खास बात यह है कि यह आसान हिंदी भाषा में है और इसका उच्चारण कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सकता है। अब मैं आपको मंत्र प्रयोग के बारे में बता रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। इस मंत्र प्रयोग से आपको अचानक या आकस्मिक धन दौलत या खजाना या अचानक कोई सट्टे में या किसी प्रकार की जायदाद की प्राप्ति से धन मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस मंत्र प्रयोग की शुरुआत आपको शनिवार के दिन से शुरू करनी है। शनिवार के दिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर इसकी शुरुआत कर सकते हो। साधक को यह मंत्र प्रयोग घर के बाहर खुली जमीन पर करना है और जमीन साफ करके उसके ऊपर गोबर के बनाए हुए 7 दिए प्रज्वलित करने हैं और उन 7 दियों के बीच में एक नारियल रखना है। फिर उन दियों और नारियल को पुष्प और ड्राई फ्रूट यानी कि सूखा मेवा अर्पित करना है। उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका 108 बार आपको जाप करना है। मित्रों, अब मैं आपको यह बता रही हूँ कि आपको जो 7 दिए लेने हैं वो आपको गोबर से बनाए हुए दिए लेने हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने नमूने के तौर पर ये दूसरे दिए रखे हैं और यहाँ जगह कम होने की वजह से मैंने यहाँ पे नारियल नहीं रखा है और आपको ये 7 दिए प्रज्वलित करने हैं। यहाँ पे भोग रखिए और कुछ चावल रखिए। अब मैं आपको मंत्र सुनाने जा रही हूँ, कृपया ध्यान से सुनिए। महालक्ष्मी जी का अंग मिला विष्णु जी के संग, 7 बार महालक्ष्मी को करो याद विष्णु जी के साथ। महालक्ष्मी विष्णु जी के आई संग ले धन घर आई, नर नारियों ने गीत गाए धुन लक्ष्मी की लगाई। धन का भरे भंडार यह वेदों में बतलाई, महालक्ष्मी का करो सत्कार धर्म की रीत बतलाई। फिर से सुनिए। महालक्ष्मी जी का अंग मिला विष्णु जी के संग, 7 बार महालक्ष्मी को करो याद विष्णु जी के साथ। महालक्ष्मी विष्णु जी के आई संग ले धन घर आई, नर नारियों ने गीत गाए धुन महालक्ष्मी की लगाई। धन का भरे भंडार यह वेदों में बतलाई,
महालक्ष्मी का करो सत्कार, धर्म की रीत बतलाई। मित्रों, मंत्र जाप करने की विधि आप ध्यान से सुनिए। एक बार मंत्र जाप होने के बाद आपको एक चावल का दाना दियों के सामने अर्पित करना है। ऐसे आपको इस प्रकार से 108 बार करना है, यानी कि 108 बार जाप करते हुए आपको 108 चावल के दाने अर्पित करने हैं। मित्रों, यह एक वन टाइम करने का मंत्र प्रयोग है। वन टाइम यानी कि एक ही बार यह मंत्र प्रयोग आपको करना है, और मंत्र प्रयोग के बाद दिए और फूलों को बहते हुए पानी में विसर्जित करना है, और नारियल और ड्राई फ्रूट का परिवार में अन्य सदस्यों में प्रसाद या भोग कहकर बांटना है, और चावल के दाने पक्षियों के लिए छोड़ देने हैं। मित्रों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ गया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्रभु सबका कल्याण करेंगे।